अपने पी एच वैल्यू के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 7.16 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहता है कि पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन की सांद्रता 3.8 × 10⁻³ है। पी एच बताइए, तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता 3.8 × 10⁻³ मोल दे रखी है और हमसे पी एच पूछी है। हम जानते हैं पी एच बराबर माइनस लॉग एचएन की सांद्रता, एचएन की सांद्रता का मान लगा दीजिए 3.8 × 10³। आप लॉग के जो नियम है वह जानते हैं, यदि लॉग के नियमों में कुछ आपको परेशानी है तो इसके लिए हमने एक अपना वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। इसका वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब यहाँ पर लॉग मल्टीप्लाई में होती है तो हम उसको प्लस के रूप में लिख देते हैं, लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻³ माइनस लॉग 3.8 10⁻³ आगे को आ जाएगा -3 लॉग 10। अब यहाँ पर 3.8 का हम लॉग देखेंगे, क्योंकि दशमलव से पहले एक अंक है इसलिए इसका पूर्णांक 0 होगा और 38 का 0 पे हम लॉग देख लेंगे। इसी के साथ हम जानते हैं कि लॉग 10 की वैल्यू जो है वह है 1 होती है। यहाँ पर हमने 38 का लॉग 0 पे देखा, 5, 7, 9, 8 इसको हम 57, 98 बोलेंगे, -3 क्योंकि इसका पूर्णांक जो है 0 है, तो 0.5798 इसको हमने 0.58 के रूप में लिख लिया, -3 जब हमने इसको सरल किया तो -2.42 आता है। तो इस प्रकार से पेयजल की जो पीएच है वो +2.42 आती है, क्योंकि ये 7 से कम है तो हम कह सकते हैं कि पेय पदार्थ अम्लीय होगा। आइए एनसीईआरटी के अगले एग्जाम्पल नंबर 7.17 को डिस्कस करते हैं, जिसमें वह कहता है कि 1 × 10⁻⁸ मोल HCl विलयन की पीएच की गणना कीजिए। क्योंकि HCl विलयन अम्लीय होगा तो उसकी पीएच 7 से कम आनी चाहिए। यदि हम इस सवाल को नॉर्मली अपने मेथड से करें तो पीएच बराबर माइनस लॉग HN की सांद्रता, और HN की सांद्रता लगा दीजिए माइनस लॉग 1 × 10⁻⁸। जब आप इसको सरल करेंगे तो इसकी पीएच 8 आएगी, और आप जानते हैं कि 7 से अधिक पीएच होने पर विलयन क्षारीय होता है, लेकिन चूंकि ये तो HCl का विलयन है इसलिए यहाँ पर ये जो सवाल है इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इस विलयन की पीएच 7 से कम आनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि HCl के विलयन में दो प्रकार की साम्यावस्थाएं होती हैं, एक जल जो कि इस प्रकार से आयनित होता है एच आयन और ओ एच आयन, और एक HCl जो कि इस प्रकार से आयनित होगा एच आयन प्लस Cl आयन। तो यहाँ पर HCl विलयन में जो एच आयन की सांद्रता है वह 1 × 10⁻⁸ है, और ऊपर वाले साम्यावस्था में जो एच आयन की सांद्रता होगी वह 1 × 10⁻⁷ के बराबर होगी। तो टोटल एच आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ प्लस 1 × 10⁻⁸। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, 10 × 10⁻⁸ प्लस 1 × 10⁻⁸। 10⁻⁸ कॉमन ले लीजिए, 10 + 1 सरल कर लीजिए, 11 × 10⁻⁸। तो जिस विलयन में HCl है वहां पर HN की जो सांद्रता है वह 11 × 10⁻⁸ के बराबर है। आइए pH का फॉर्मूला लगा करके pH वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। pH बराबर माइनस लॉग HN की सांद्रता, मान लगा दीजिए माइनस लॉग 11 × 10⁻⁸। लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, लॉग 11 प्लस लॉग 10⁻⁸। यहाँ पर 11 में 2 अंक हैं तो इसका पूर्णांक 1 हुआ, और 11 का 0 पर हम लॉग देख लेंगे कि 0414 होता है, माइनस 8 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 1.0414 माइनस 8 सरल कर लीजिए, तो यहाँ पर माइनस में 6.95 प्राप्त होगा, जो कि 6.95
नौ पांच के बराबर होगा, तो चूंकि यहाँ पर पीएच का मान सात से कम आता है तो हम कह सकते हैं कि ये विलयन अम्लीय होगा। तो इस प्रकार वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कुछ कठिनाई है या परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।